जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी और नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर जो पूरब और यरूशलेम के सामने है पाव धरेगा। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खंड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खंड आसेल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भोईडोल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएगी और वह एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ को उजियाला होगा और उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम की दक्षिण ओर के रिमोन तक सब भूमि अरावा के समान हो जाएगी और वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी और लोग उसमें बसेंगे, और फिर सत्यानाश का शाप न होगा और यरूशलेम बेखट के बसी रहेगी। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। और यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना चांदी वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी और घोड़े खच्चर ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे वे भी ऐसी ही मार से मारे जाएंगे। और यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से जितने लोग बचे रहेंगे वे वर्ष वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे उनके यहां वर्षा न होगी। और यदि मिस्र का कुल वहां न आए तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे? यह मिस्र का पाप और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा कि यहोवा के लिए पवित्र और यहोवा के भवन की हंडिया उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं।
वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडिया सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी और सब मेलबलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस सिझाया करेंगे और उस समय सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई कनानी न पाया जाएगा।